कॉमेडी शो श्रीमान श्रीमती एक बार फिर से अपनी बेहतरीन कॉमेडी के साथ दर्शकों को हंसा रहा है। इस शो का टेलीकास्ट 1994 में सबसे पहली बार हुआ था। शो के सभी कलाकारों को सीरियल से काफी फेम मिला, लेकिन आज इस सीरियल के 3 सितारे दुनिया को अलविदा कह गए हैं। जतिन कनकिया बड़े ही खुश मिजाज इंसान थे। शो में उनके फनी डायलॉग और कॉमेडी टाइमिंग बड़ी ही जबरदस्त थी, लेकिन कुछ सालों बाद जतिन को पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया था और साल 1999 में वो दुनिया छोड़ गए। उनकी अचानक मौत से उनके फैन काफी शॉक में आ गए थे। रीमा लागू ने इस सीरियल में जतिन कनकिया की पत्नी का रोल अदा किया था। बता दे, रीमा लागू ने टीवी के साथ साथ कई सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने फिल्म हम साथ साथ हैं और हम आपके हैं कौन में खूब तारीफ बटोरी थी, लेकिन 17 मई 2017 को हार्ट अटैक से रीमा लागू का निधन हो गया था। उस वक्त भी वह एक टीवी शो की शूटिंग कर रही थी। साहिल चौधरी ने शो में जतिन कनकिया के बॉस का रोल निभाया था। इनकी मृत्यु साल 2007 में किडनी खराब होने की वजह से हो गई थी। इनकी शादी दया नाम की महिला से हुई थी, जिनसे इनके 3 लड़के हैं। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।